अरे जिस हिंदू संस्कृति ने, जिस ब्राह्मणी संस्कृति ने हमारे पुरखों को जानवर से भी नीचे बना दिया, उनको झूठन खिलाई, मरे जानवर का मांस खिलाया, झाड़ू पीछे बंधाया, उस जनसंस्कृति को हम मानेंगे? हम सत्ता में आना चाहते हैं, उनको चैलेंज देना चाहते हैं। उनका तरीका तो जान लो, उन्हीं से वो कांग्रेस का गिद्ध ले गया, किसी को भाजपा का ले गया, किसी को आपका ले गया, किसी को भाजपा का ले गया, गिद्ध ले जा रहे हैं। वो कोई राधा स्वामी की ड्रेस पहरे हुए, कोई निरंकारी की, कोई सतपाल की, कोई आशाराम की ड्रेस पहरे हुए गिद्ध है, जो बाकी मोहल्ले में बचे उनको धार्मिक गिद्ध उठा के ले गए। हम चमार नाई तेली धोबी मांग मतंग वाल्मीकि महार नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी है। ये जातियां नहीं है, ये गालियां है, गालियां। आजादी से पहले 10% सवर्ण लोगों ने महत्व जाना संगठन का। 1885 में उन्होंने उद्देश्य डिसाइड किया कि इस देश पे हम 10% लोगों ने शासन करना है। कितनों ने? 10% लोगों ने। कब डिसाइड कर रहे हैं? 1885 में। इन 90% पे हमने शासन करना है। अंग्रेज आज नहीं तो कल जाएंगे, इसलिए हमें संगठन की तैयारी अभी से करनी है। कौन कर रहे हैं? साधारण लोग नहीं है, असाधारण लोग हैं। उस समय के ICS सारे बड़े अधिकारी, टॉप के वकील, जज, प्रिंसिपल नौकरी छोड़ दी, संगठन को समर्पित हुए। कब? 1885 में। 62 साल लगे हैं, 1947 में सत्ता में आ जाते हैं। सत्ता में आ जाते हैं, शासक प्रशासक बनते हैं। उसी के दूसरे वर्ग ने संगठन एक और बनाया, उसी समय लगभग 1925 में दूसरे संगठन बनाते हैं। उन्हीं में से लोग जो कट्टर था, जो आज समस्या खड़ी कर रहे हैं, 1925 में संगठन बनाते हैं। नाम रखते हैं RSS, राष्ट्रीय सेवक संघ, नाम रखते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस देश में हमने भी शासन करना है, बल्कि हमें ही शासन करना है। तो शासन कैसे करेंगे? शासन 10% का होना चाहिए, 90% लोग इनको जातियों में बांट के रखना है, हमने इनको वही लाना है जहां ये पहले थे। कब डिसाइड करते हैं? 1925 में डिसाइड पहले उद्देश्य। और संगठन के लिए क्या करते हैं? अरे अपने उन संगठनों को दोनों लोगों ने अपने खून से सींचा है। संगठन साधारण काम नहीं है, आ जाओ और चले जाओ, कभी लेट आओ जल्दी चले जाओ। उन्होंने संगठन को जो कांग्रेस ने बनाया उन्होंने भी, और जो RSS ने बनाया उन्होंने भी, उस संगठन को अपने खून से सींचा है। जेल गए हैं, आनंद भवन डोनेट कर दिया है, घर डोनेट है, वाइफ हस्बैंड डोनेट है। उन संगठन का इतिहास जानो, लोग कितने हैं? 3% से 10%। उद्देश्य डिसाइड किया, 90% पे शासन करना है। उद्देश्य ऐसी धर्म बनाएंगे, ऐसी पहचान बनाएंगे, ऐसी नीति बनाएंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे अपने संगठन की कि 10% ही शासक रहेगा। ISIPS जितनी भी की पोस्ट है, 10% के लोग ही रहेंगे और इन 90% पे हम शासन करेंगे। पहले डिसाइड करते हैं हम संगठन के लिए कितना देते हैं। संडे भी हमारे पास नहीं है, 52 संडे 52 सैटरडे तो सरकार देती है। अगर छुट्टी लगाओ तो 160 दिन होते हैं 365 दिन में से, और बाकी छुट्टी अलग। कोई दे रहा है छुट्टी? नहीं दे रहा है।
मगर मैं एक निवेदन करूं, हम वाल्मीकि जाति में हम गए तो 125 जी की हमने जयंती मनाई, ज्यादा मनाई, तो हमने क्या नजारा देखा। बस्ती में जाते हैं तो हम देखते हैं गिद्ध बैठे हुए हैं मुंडेरों के ऊपर, गिद्ध। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, उनके योग लोगों ने संगठन बनाया है, हमारे योग लोग संगठन से भागते हैं। पैसा तो देना, समय देना कोई मतलब नहीं। उनकी प्राथमिकता नौकरी है, उनकी प्राथमिकता परिवार है, उनकी प्राथमिकता प्रमोशन है, उनकी प्राथमिकता अपना घर और पेट बड़ा करना है। जो योग लोग हैं उनकी बता रहा हूं, संगठन कैसे चलाओगे। उनके योग लोगों ने जीवन लगाया, खून दिया है, परिवार के परिवारों ने कुर्बानी दी है, तब सत्ता में आए हैं। हम सत्ता में आना चाहते हैं, उनको चैलेंज देना चाहते हैं, उनका तरीका तो जान लो उन्हीं से। जब हम बस्ती में गए तो देखा मुंडेरों पर गिद्ध बैठे हुए, गिद्ध। गिद्ध आपने देखा हो, बहुत दूर से देखता है, क्या करता है। इस जाति के जो योग लोग दिखाई दिए ना, जो पढ़ा लिखा दिखाई दिया, थोड़ा सा पैसे वाला, ठीक, उसको गिद्ध उठा के ले गए। यानी कि गिद्धों की वैरायटी बैठी है। कुछ राजनीति के गिद्ध हैं, किसी गिद्ध ने कांग्रेस की ड्रेस पहनी हुई है, किसी ने भाजपा की, किसी ने और दूसरी तीसरी पार्टियों की ड्रेस पहनी हुई है। देखा इस मोहल्ले में ये ठीक है, उसको कांग्रेस का गिद्ध ले गया, किसी को भाजपा का ले गया, किसी को आपका ले गया, किसी को भाजपा का ले गया, गिद्ध ले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे गिद्ध वो धार्मिक गिद्ध है, वो कोई राधा स्वामी की ड्रेस पहने हुए है, कोई निरंकारी की, कोई सतपाल की, कोई आशाराम की ड्रेस पहने हुए गिद्ध है। जो बाकी मोहल्ले में बचे उनको धार्मिक गिद्ध उठा के ले गए, किनको जो थोड़े से ठीक है। उसके बाद जो थोड़े से और बचे उनको ये आर्थिक एमबे वाले ये गिद्ध ठाक ले गए, पैसों का प्रलोभन दिखा के। तो इस जाति में जब हम गए तो मोहल्ले में बचा क्या, वो आ नहीं रहे गिद्ध ले गए। कुछ लोग तो ऐसे भी खुद ही गिद्ध के पास जा रहे हैं, खुद ही, कि वहां मांस मिलेगा, वहां खाने को मांस मिलता है, गिद्ध के पास जा रहे हैं। तो इस जाति में बचा क्या, क्या बचा, ये साधारण लोग ही बचे हैं जो यहां बैठे हैं। इन्हीं को लेके हमने संगठन को तैयार करा, इन्हीं को लेके हमने ट्रेनिंग शुरू की। कर धार्मिक जो लोग सुनामी ला रहे हैं, जो कल बदमाशी दिखा रहे हैं, कल उनका सेशन है हमारे धार्मिक लोगों का, उनको जरूर ठीक करना है, नहीं तो हम बचेंगे नहीं। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने 10% लोगों के योग लोग लगे हैं, हमारे योग लोग नहीं लगे हैं। उन्होंने संगठन बनाया 10% लोगों ने कि ऐसी संस्कृति चलाएंगे, ऐसी पहचान चलाएंगे, ऐसी विचारधारा चलाएंगे, ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जो 10% को ही ऊपर रखेगा, जो 10% को ही श्रेष्ठ रखेगा और 90% को शूद्र बना के जातियों में बांट के आपस में लड़वाने का काम करेगा। ये उन्होंने पहले ही डिसाइड किया और फिर डिसाइड किया कि हमारी पहचान होगी। कौन डिसाइड कर रहा है, 10% लोग अपने संगठन की क्या पहचान होगी, कि हिंदू पहचान देंगे हम समाज को। फिर कौन सी संस्कृति देंगे, हिंदू संस्कृति देंगे, और हिंदू संस्कृति नहीं है वो ब्राह्मणी संस्कृति है, हिंदू समाज नहीं है वो ब्राह्मणी समाज है, जो वो पहचान दे रहे हैं, जानते हैं। जब मुगलों का शासन था तो उन्होंने उनसे जजिया कर देने के लिए मना कर दिया कि हमसे मत लीजिए धार्मिक टैक्स, क्यों, अरे हम तो हिंदू नहीं है। उनको कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, और अब हिंदू के नाम पर संगठन क्यों बना रहे। कि ऐसी नीति, रणनीति, उसके बाद होती है कूटनीति, कपट नीति, छल नीति, ऐसी बनाइए कि हम 10% लोग ही ऊपर आए, ये 90% ऊपर ना पाए, नीचे ही रहे। उन्होंने बनाया। तो अब अगर हमने अपना संगठन बनाना है तो हमारा संगठन कैसा होना चाहिए,
वो पहचान जो 90% को इकट्ठा कर दे वो हमारी पहचान होनी चाहिए। वो संस्कृति जो 90% को इकट्ठा कर दे वो हमारी संस्कृति होनी चाहिए। वो विचारधारा जो 90% को इकट्ठा कर दे वो हमारी विचारधारा होनी चाहिए। और जो 90% को ट्रेंड कर दे, इकट्ठा कर दे, वो हमारे कार्यक्रम और त्यौहार होने चाहिए। ये हमने डिसाइड किया। और ये हमने नहीं, हमारे सबसे 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 बड़े पुरखे ज्योतिबा राव फूले ने डिसाइड किया कि हम मूल निवासी के नाम से इकट्ठे हो सकते हैं। ये जातियों का जो अवरोध दीवार हमारे बीच में जो खड़ा है, जातियां अवरोध बन के हमारे को मिलने नहीं दे रही, इस अवरोध को फूले साहब ने जो पहचान दी कि मूल निवासी की पहचान इस जाति को खत्म कर सकती है और हमें एक कर सकती है। यानी कि हमारे संगठन की, हमारे आंदोलन की, जो हम संगठन चाहते हैं उसकी पहचान मूल निवासी होगी। हम चमार, नाई, तेली, धोबी, मांग, मतंग, वाल्मीकि, महार नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी है। ये जातियां नहीं है, ये गालियां है, गालियां। क्या आने वाली हमारी बेटे बेटी की कमर और छाती पे ये अपमानित जातियां रहनी चाहिए क्या, या खत्म होनी चाहिए? खत्म हम करेंगे। अरे जिस हिंदू संस्कृति ने, जिस ब्राह्मणी संस्कृति ने हमारे पुरखों को जानवर से भी नीचे बना दिया, उनको झूठन खिलाई, मरे जानवर का मांस खिलाया, झाड़ू पीछे बंधाया, उस जनसंस्कृति को हम मानेंगे या हमें माननी चाहिए? अरे जल्दी से जल्दी उसे खत्म करो। तो हम जो संगठन बना रहे हैं वो संगठन होगा जो हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति, उसके आधार पर हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। मूल संस्कृति हमारी, मूल निवासी के आधार पर हमारी पहचान होगी, और मूल निवासी ही हमारी विचारधारा होगी, और मूल निवासी विचारधारा को ही लेके हमारे सारे कार्यक्रम आगे चलेंगे। साथियों, ये हम संगठन चाहते हैं। अगर हम मूल निवासी पहचान, मूल निवासी संस्कृति, मूल निवासी विचारधारा और मूल निवासी कार्यक्रम चलाएंगे तो फिर हम चमार, नाई, तेली, धोबी का ये मामला हमारा नहीं रहेगा। हम एक ही हड्डी के, एक ही वंश के, एक ही खून के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं।